खुशामदीद नाजरीन, नया इनकलाब न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हाजिली, बढ़ते आज की हम खबर की तरफ। शाहरुख खान के भी फैंस है, दीपिका पादुकोण के भी है। देखो जी, मैं आपको एक ही बात पूछ रहा हूँ, यशराज को देखकर थिएटर में पब्लिक आएगी या शाहरुख को देख के थिएटर को पब्लिक आएगी? मेरे को जवाब दो। हर एक का एक वाला तो कोई ना कोई होगा ना, वही है ना। मैं भी पैसे लगा तो फिल्म हिंदू बैनर पे बन रही, मैं भी पैसे लगा तो हिंदू है, प्रोड्यूसर हिंदू है और हीरोइन हिंदू पहनने वाली वो है। पठान मूवी देखो, ब्लॉकबस्टर हुई तो कोई मुसलमान को फायदा होने वाला नहीं है, ना हिंदू को फायदा होने वाला है। हेलो नितिन जी। हेलो हेलो, हाँ नितिन भाई बोलिए। अबू इब्राहिम बोल रहा हूँ। अबू अबू इब्राहिम बोल रहा हूँ। बोला भाई, कहाँ से बात कर रहे भाई? मैं हैदराबाद का ही हूँ, फिलहाल सऊदीया में हूँ। ओके जी, आप जो है जज्बाती माशाल्लाह जो है एहतजाज किए पठान मूवी के लिए जी, क्या है सर उसमें, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। कौन सा मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? नंगा नाच रहे क्या पूरा हिंदुस्तान में? पूरा नंगा कर रहे क्या पूरा? अच्छा, तो ये पठान मूवी बनाने वाले कौन है आपको मालूम है ना? अब मूवी बनाने वाला नहीं तो काम करने वाला तो शाहरुख खान है ना भाई? नहीं, पहनने वाली दीपिका पादुकोण है ना, शाहरुख खान नहीं पहना। पहनाने वाले तो तुम लोग ही थे ना भाई? नहीं भाई, हम लोग नहीं है। सिद्धार्थ आनंद जो है ये फिल्म के जो है डायरेक्टर है। शाहरुख खान को भी बोल रहे हैं, सबको बोल रहे अपन, शाहरुख खान को नहीं बोल रहे, पूरी टीम को बोल रहे अपन। देखिए शाहरुख खान है, कोई भी एक्टर है, दो मुसलमान हो नहीं सकता ना हिंदू हो सकता उन्हें, वो सिर्फ पैसों के बिना पे काम करते। वो लोग पैसे लेते, कभी हिंदू बनते कभी मुसलमान बनते, कभी मंदिर जाते कभी मस्जिद जाते, उन लोगों का कोई धर्म नहीं रहता। भाड़ में जाए पठान मूवी, हमारा कुछ से लेना देना नहीं है। लेकिन ये यशराज बैनर के तले बनी, यशराज बैनर के तले बनी, जिसके जो है डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है, जिसके प्रोड्यूसर जो है आदित्य चोपड़ा है, दीपिका पादुकोण में जॉन इब्राहिम है, तो ये हिंदू मुस्लिम ये रंगों को जो है मजहब के नाम पे जो है डिवाइड करना, ये कहाँ तक सही है? नितिन जी आप एक अच्छे इंसान हैं, आप जो है देश की तरक्की के लिए। एक ही बात बोलता हूँ जी, एक तो पहली बात मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, पैसे लगाने वाला कोई भी हो जी, पैसे पे नाचने वाला तो कोई ना कोई होगा ना, वही है ना। मैं भी पैसे लगा तो फिल्म हिंदू बैनर बन रही, मैं भी पैसे लगा तो हिंदू है, प्रोड्यूसर हिंदू है और हीरोइन हिंदू पहनने वाली वो है। पठान मूवी देखो, ब्लॉकबस्टर हुई तो कोई मुसलमान को फायदा होने वाला नहीं है, ना हिंदू को फायदा होने वाला है। वो फिलाप हो गई तो ना हिंदू को नुकसान है ना मुसलमान को नुकसान है। लेकिन ये देश में रंगों को बांटना, आपस में इंतजार फैलाना, ये गैर जरूरी के है भाई। अब देखो फिल्म में वो लोग कुछ ना कुछ जो है मिक्स कर दे रहे हैं नफरत फैलाने का काम, और आप लोग जो है रोडों पर निकल के इसको प्रमोट कर दे रहे हैं फ्री में। प्रमोट नहीं कर रहे, रोड पर प्रमोट है ना। आप बोल रहे हैं कि हैदराबाद में थिएटरों में रिलीज होगी तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, बोल रहे हैं आप। थिएटर हिंदू भाइयों के है, जो बनाए सुनो, फिल्म हिंदू बनाए, थिएटर जो है हिंदू भाइयों के है, तो किसका नुकसान हो रहा है इसमें बताइए आप? अरे कौन से भी भाई का अंदो जी, कौन से भी लोगों का अंदो जी, हिंदू है तो इसका मतलब है कि हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल करेंगे क्या ये लोग? तो इससे मैंने जो बनाए इतने जो बनाए वो लोग कई को बनाए होंगे ऐसा आप सोचो। आप पूछ रहा हूँ लोगों को कई को बनाए हुए, बल्कि आप बनाने वाला था मैंने होना भाई, वही तो बोल रहा हूँ। शाहरुख खान एक्टर है, उन्हें ना मुस्लिम है ना हिंदू है, वो पैसों के लिए काम करता है। अरे भाई, वही है भाई, तुम अगर आप ऐसा बोले तो शाहरुख खान
हिंदू नहीं है मुसलमान नहीं है वो, तो मैं भी वही बोलता हूँ, दीपिका भी हिंदू नहीं है मुसलमान नहीं है। वही है तो, फिर वही है, ये एक्टर जो भी एक्टर है ना, हिंदू रहता ना मुसलमान रहता उन्हें। और ये पहली फिल्म नहीं है भाई बॉलीवुड की जो जिसमें जो है हीरो हीरोइन सफरान रंग का जो है कपड़ा पहना सो, ये फर्स्ट मूवी नहीं है। आप मूवी देखते ना, अगर नहीं देखते तो यूट्यूब पे देखो आप, ऐसे कई फिल्में टॉलीवुड के हॉलीवुड के बॉलीवुड के जो है आ गए जिसमें जो है सफरान रंग के हीरो और हीरोइन ड्रेस पहन चुके। नहीं तो एक बात हो तो मेरे बड़े भाई सुनो मेरी बात, बोलिए देखो अगर आपको सही में अगर थोड़ी भी अगर है भाई, चलो आप इतना दिल से बोल रहे कि वो हिंदू नहीं है मुसलमान नहीं है, बोलो वो ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं, आप अश्लीलता को क्यों बढ़ावा देना चाह रहे हैं। अगर आपको कलर आपको अगर कलर से तकलीफ है तो आप भी तो आवाज उठा सकते ना, हिंदुस्तान में ऐसे नंगे नंगे सिनेमा बनाएंगे हिंदुस्तान के युवा है मेरी बात बर्बाद हो जाएंगे, बेशक होते भाई हिंदुस्तान की इकोनॉमिक का आलम क्या होगा भाई। आप जैसे अगर नेता यहाँ अगर ये जो है फिल्मों के बारे में रंगों के बारे में मजहब को बांटेंगे तो हिंदुस्तान की गरीबी पे बात कौन करेगा, भूखमरी पे बात कौन करेगा, हिंदुस्तानी शहरी के बच्चों की तालीम की बात कौन करेगा। बोलिए बोलिए आप एकदम बराबर बात बोले, बराबर बात बोले। आज क्या बोले रंग की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो आप रंग की बात हमारे रंग है भगवान हमारा रंग है बोल के हम बात करें तो आप हमारे उससे कोई एतराज नहीं है रंगों की। आप जो है नहीं आप आज मेरी बात सुनो, आप अगर वैसा तकलीफ हो रही हमारे को तकलीफ हो रही भाई आप देखो तकलीफ की बात ही नहीं है। मैं ही बोलना चाह रहा हूँ फिल्म यशराज बैनर पे बनी, यशराज बैनर हिंदुओं का है ना, मेरी बात छोड़ दो, यशराज को बाहर में जान दो, यशराज को बाहर में जान दो, यशराज का मतलब नहीं है मेरे को। पब्लिक किसको देख रही, यशराज को देख रही, शाहरुख खान को देख रही, यशराज बैनर के तले भी देखने आती भाई, शाहरुख खान के भी है, दीपिका पादुकोण के भी है। देखो मैं आपको एक ही बात पूछ रहा हूँ, यशराज को देख कर थिएटर में पब्लिक आएगी या शाहरुख को देख के पब्लिक। हर एक का एक फैन होता, शाहरुख खान को देख के भी आती पब्लिक, फैन की बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूं आपको दोनों में से किसको देख के थिएटर को पब्लिक आती है, खान को देख के आएंगी, शाहरुख खान को देख के आएंगे, खान को देख के आएंगे बोले तो, खान को देख के आएंगे वो तो, खान अगर अगर ऐसा गलत करेंगे अश्लीलता करेगा, सुनो मैं वही बात मैं आ रहा हूँ, वही आपके बात से आ रहा हूँ, मेरे खान अगर ऐसा नंगा करेगा, दीपिका पादुकोण ऐसा नंगा काम करेगी तो फिर हिंदुस्तान में आप लोगों को जरा नकाब की बात करें तो आप बात तो है मैं ना भाई, नकाब की बात करेंगे तो आप उसकी हिफाजत है बेटियों की, देखियो आचरण बापू क्या करे, हिजाब की बात करे तो आचरण बापू क्या करे, आचरण में जो है हिंदू बहनों बेटियों मेरी बात को सलमान रंग का पहन के नहीं, मैं आपकी बात रामदेव बाबा क्या बोले, रामदेव बाबा क्या बोले बगैर कपड़ों के महिलाएं अच्छी दिखती बोले, सफरान रंग का कपड़ा पहन के आप उनका बॉयकॉट नहीं करें भाई, ओल्ड सिटी में तुम्हारा परसों मई एक आवाज उठाया मुस्लिम औरतों को नंगा कराना जी, अच्छा काम करे आप, बेहतरीन करे आओ, अच्छा करे आओ, पैसा उठाओ भाई, आपसे उम्मीद अच्छी है हमको, आप जो है बेहतरीन इंसानियत के लिए काम करो, रंगों में मजहब में नको जाओ भाई, आप अच्छी नेतागिरी करो, देखो किशन रेड्डी कैसा आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, देखो बेहतरीन अखलाक बेहतरीन अंदाजे से अगर तुम कौम की खिदमत करते हुए काम करेंगे तो पब्लिक तुमको पसंद करेगी ना, ये रंगों में मजहब में डिवाइड करने का फायदा क्या है, बोला भूखमरी पे कौन बात करेगा, महंगाई कितना हो गई, आसमान की चोरी जी, बोलिए चोरी का भीख मांगने का जी, हिंदुस्तान में खाना खा रहे चार दिन का एंजॉय कर रहे हैं, कितना महंगाई है जी, कितनी महंगाई है, अरे कई लोग हैं भीख मांग के गुजारा कर रहे, बोलो गैस कितना होगा, बोलो गैस से ज्यादा महंगाई है क्या, अरे श्रीलंका तो एक बेकार मुल्क है, श्रीलंका का आलम करना चाह रहे क्या, हिंदुस्तान जो है बेहतरीन मुल्क था जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, क्या आलम लगा देखो आप, 15 लाख आप बोले मोदी साहब अभी तक नहीं आए, अभी आप खाना खा रहे खा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह भाई खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, खाना खिलाने वाला मालिक खुद का एक है, आप खाना हाँ तो
आलू की बात करे तो अब मालिक खाना की इनकम बड़ा बोले तो महंगाई कैसे आई भाई फिर इसमें बहुत महंगाई है भाई। आप गौर करो भाई, आपको समझ नहीं आ रही होंगी। वो गरीब के घर में जाके देखो, जो सुबह में काम पे निकलता तो शाम में आता टिफिन लेके जाके, दोपहर का खाया तो शाम का सोता। गरीबों के घरों को देखो आप, आप लोग को देखो भाई। नहीं महंगाई अगर हो रही तो आबादी भी कम करो ना भाई। दुनिया भर में 800 करोड़ की आबादी है। अरे ज्यादा तुम्हारी आबादी है, तुम्हारी ज्यादा आबादी है ना भाई। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कितनी है बोलो? दुनिया भर में आप लोगों की आबादी, दुनिया भर का देखो भाई, अपना हिंदुस्तान का देखो, आपकी आबादी नंबर वन पे है। फिर मैं तुम जब महंगाई की बात करे तो मैं श्रीलंका पाकिस्तान की बोले तो तुम वो बात नहीं कर रहे हो। श्रीलंका पाकिस्तान जो है क्या है बोलो? हिंदुस्तान के सामने बच्चे है वो बेकार पटे है वो नाकारा। हिंदुस्तान क्या है बोलो? हमारा मुल्क है, वतन अजीज है हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान में अच्छे से जी रहे ना, जी 130 करोड़ की जनता शान से बोल रहे ना। अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मजे में है हमारा मुल्क। आप देख रहे हैं IHO न्यूज़। तो सुने नितिन जी, आप जो है बेहतरीन इंसानियत के लिए काम करिए, ये रंगों को छोड़िए भाई। आपसे जो है आगे बेहतरीन काम आ करके नहीं, अब ये देख के ताज्जुब होगा मेरे को। आप ये रंगों में जो है आगे बोल के इंटरव्यू देख के इसीलिए कॉल किया मैं। बराबर बराबर बात करना पता, बराबर बात करना पड़ता। आपके साथ लोग ये बाजू ठहरे हुए उन भी वही बात कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं वही के बोले। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए ओके। तो देखिए आप लोग अभी धर्म के बारे धर्म के ऊपर आपको भी मैं जो है इंसानियत के लिए काम करो भाई। मैं आपको दीन सलाम की दावत दे रहा हूँ, आप दीन को समझो और कुरान करीम को पढ़ो समझो, उसके बाद जो है करीब आओ इस्लाम के करीब आके जो है खूबसूरती को बेशक खूबसूरती को बनाए रखे जो भी नहीं होता भाई। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ इंसानियत पहले है, छोटे बाता लोगों पर लाओ। इस्लाम की तालीम क्या है? इंसानियत है पहली चीज। शाहरुख खान जैसे लोगों को सपोर्ट मत करो। शाहरुख खान बाहर में जाओ भाई, मैं अभी तुम्हारे को समझाया। शाहरुख खान कामयाब हुआ तो इस्लाम को या मुसलमानों को फायदा नहीं है।